सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। महक जाए तू आज दो ऐसे फूल बगिया में, महके हो जैसे बादलों की तू ओढ़े चुनरिया, भीग जाए तू बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध ले दुनिया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं, एक सब अभी क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के, ये एक जन लेट लेट के अपनी क्लासेस कर रहे हैं और एक जन ब्रश करते हुए अपनी क्लासेस कर रही है। ऑनलाइन क्लासेस का ये एटलीस्ट एक फ़ायदा है कि आप कहीं भी जाओ तो नेट कनेक्शन हो तो क्लासेस कर सकते हो, और ये एक जन अभी भी लेटे हुए हैं। चलिए बाहर चलते हैं। सच अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, कितना सुंदर है और कितना शांत है। अच्छा, ये नदी का पानी तो अभी भी इस तरफ नहीं आया है, नदी ने मुझे धोखा दे दिया। पहले ना मैं सुबह सुबह उठ करके सोच रही थी यहाँ पर जाकर के बैठ के चाय पीऊँगी, पर परी ने मना कर दिया है। परी बोल रही है मेरी क्लासेस है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं बैठ के करना है। और छोटा वाला बोल रहा है मैं क्लास करूँगा ही नहीं, मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ हो वहीं बैठ कर के एटलीस्ट क्लासेस करो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे आज कहीं कुछ एक जगह है, सोचा वहाँ पर से घूम कर आए, क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट के अंदर इस एरिया में और कुछ वैसे है नहीं देखने के लिए करने के लिए, रिजॉर्ट के अंदर ही है जो। और ड्यू टू कोविड ना गेट के बाहर से जा कर के आप वो नदी के किनारे पे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि मतलब वही सैनिटाइज वगैरह करके इन्होंने अंदर एकदम से घुसाई। यहाँ पर तो इन लोगों ने गाड़ी तक को सैनिटाइज कर दिया था, तो और वैसे भी पानी भी है नहीं नदी में, तो वहाँ कीचड़ में जाकर भी क्या फ़ायदा, यहीं से ही दिख रहा है। तो थोड़ी सी दूर पे एक और जगह है, हम सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे फ्रेशन अप होके। फिलहाल मैंने चाय के लिए बोला है चाय आ जाए, तो वहाँ लॉन में ना सही यहाँ बैल्कनी में बैठ के सुबह सुबह चाय पी लेंगे। कोलकाता में मेरे घर में तो ना तो बैल्कनी है और छत तो आपने देखा ही है, मैं तो फिर भी धूप के चक्कर में छत पे बैठ करके सुबह सुबह चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो यहाँ एटलीस्ट बैल्कनी में बैठ के चाय पी लेती हूँ, मन खुश हो जाएगा। एनीवेज पहले चाय आ जाए, तब तक मैं ज़रा फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ, फ़ोन पर भी चार्ज नहीं है। चाय आ गई है हमारी, अभी चाय पी करके फिर फ्रेश होना है, फ्रेश होकर के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जगह जा रही हूँ क्योंकि सोचा था पहले 2 दिन तक यहीं रुकेंगे, लेकिन 2 दिन तक यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या बोलते हैं, हाँ भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, तो अभी ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। एक और सुंदर सा डेस्टिनेशन है, वहाँ घूम करके फिर मिलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के, वहाँ मिलती हूँ आपसे। इतने सारे स्वेटर्स और जैकेट्स जो हम लेकर के आए हैं, पूरा बेकार, जैसे लेकर के आए थे वैसे ही लेकर के जा रहे। कितना धूप है देख रहे हो, मेरा तो पूरा मुंह जल रहा है, पूरा बेकार हो गया। बेकार बेकार का एक धूप ना बहुत लगता भी है, सुबह का धूप हो, धूप जब का भी हो लगता ही है। वो बोलते हैं ना माइल्ड वाला धूप, मुझे तो कभी नजर नहीं आता है माइल्ड वाला धूप, विटामिन डी वाला धूप, विटामिन डी के साथ चेहरा स्किन बदन सब झुलस रहा है। हम ना आए हैं अभी वैली ऑफ फ्लावर्स में। हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल में भी है एक वैली ऑफ फ्लावर्स। इस जगह का नाम खिराई है और बहुत सारे लोग शायद आकर के जा भी चुके हैं घूम घाम के। हम लोग हर जगह लेट जाते हैं, बट लेट होने से भी इट्स वर्थ। हम आए हैं यहाँ पर और यहाँ ना मतलब चारों तरफ जहाँ जहाँ तक मतलब आपकी नजरें जाएंगी फूल ही फूल है। इतना सुंदर लगता है, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो रास्ते के दोनों तरफ से स्टार्ट हो गया है फ्लावर्स, दोनों मतलब पूरा एकदम फ्लावर बेड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं कैमरा घुमा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी भी थोड़ा सा दूर में पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ही दूर कुछ आरफल सनग्लास का पूरा। रास्ता थोड़ा सा खराब है पर यहाँ पर ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, यहाँ कहाँ अच्छा रास्ता मिलेगा। ये एकदम गांव के अंदर है। मैंने इतने सारे फूल ना एक साथ सच में कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ टीवी वगैरह में ही देखा है। मम्मी कैसे पता है, पागल है। ये हील पहन के भी आती है, फिर फ्लैट्स भी लेके घूमती है, मतलब पूरा घर उठा के लेके आती है। वो एक दिन के लिए घूमने आए हैं तो सब कुछ लेके आती है। मम्मी आप कुछ बोलोगे? मैं बोलूंगा हील भी पहन के आयो फिर फ्लैट्स भी लेके आयो। हाँ, मैं ना चल नहीं पाती हूँ ज्यादातर, ज्यादा हील में। क्यों पहनते हो आप? हील पहनती हूँ स्टाइल मारने के लिए, फोटो उठाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फिर हो जाता है। और अभी यहाँ पर चल के जाना है ना, वो खेतों में जाना है तो हील बहुत वो। मैं हमेशा हील पहनकर निकलती हूँ लेकिन साथ में फ्लैट्स लेके। फ्लैट के जैसा कम्फर्टेबल कुछ नहीं है। स्टाइल मारने की बात अलग है बट कम्फर्ट भी तो होना चाहिए ना। पता चला ऐसा घूमा कि पैरों में ही दर्द हो गया, दो दिन तक और चल ही नहीं पाए। ऐसे घूमने का क्या फायदा?
चल हट जा वरना गाड़ी आके ठोक देगी। पकड़ो पकड़ो। चलो चलो बहुत बकली, अभी चलते सीधा फ्लावर्स दिखाते हैं आप लोगों को। फ्लावर्स बहुत वैल्यूज है। फ्लावर्स वैल्यू नहीं है, वैली है। वैली है जो वैली, जो वैल्यू वैली, वैली जो आपको दिखाऊंगा ना वो आपका मन खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर शायद से ना फ्लावर्स इतने हैं, वैसे तो हमारे मेन कोलकाता में भी शायद यहाँ से तो जाते ही हैं फ्लावर्स, और मे बी एक्सपोर्ट भी होते होंगे यहाँ से फ्लावर्स। देखा मैंने कहा था ना, मतलब मन भी शांत, आंखें भी शांत, दिमाग भी शांत हो जाएगा। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मेरे पास ना सीरियसली वर्ड्स कम है। मेरा ये खड़ूस पति है ना बहुत चिल्ला रहा था कल से, नहीं जाना है, पता नहीं कहाँ का खबर लेकर आती हो तुम से सोशल मीडिया पे, तुम ये वो, और अब सबसे ज़्यादा पिक्चर्स वही क्लिक कर रहा है। ऐसे ही होता है, मतलब वो होते हैं ना, बीवी की बात का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो मेरी बातों का भी ना मेरे घर वालों पर कोई वैल्यू नहीं होता। फिर जब मैं कर लेती हूँ तब बोलते हैं कि नहीं तुमने अच्छा ही बोला था, ठीक ही बोला था। देखो मेरे पीछे, मैं कैमरा घुमा करके दिखाती हूँ आपको। इतना सुंदर जगह भी मतलब हो सकता है, ये तो कश्मीर और बाहर फॉरेन, लेकिन सर फॉरेन का ही क्यों नाम हो, हमारा कोलकाता, हमारा वेस्ट बंगाल भी कम थोड़ी है। इतना सुंदर है सीरियसली। फूलों के साथ साथ ना यहाँ पर थोड़े बहुत ये वेजिटेबल्स वगैरह भी, ये तो सरसों है, सरसों में पूरी तरह से आ चुका है, और इसके साथ में यहाँ पर ये शायद आलू की खेत है, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, कोई है नहीं यहाँ पर मुझे बताने वाला। उसके पीछे वो फूल गोभी या बंद गोभी कुछ है। ये तो है वो ऑरेंज वाले छोटे छोटे गेंदा, कितना सुंदर है ना, सीरियसली बहुत सुंदर है। इतना दूर हम इतना जर्नी करके आए ना, बट इट्स रियली वर्थ। मतलब जहाँ तक आपकी आंखें नजरें जाएं ना, जहाँ तक नजरें जाएं, सिर्फ फूल ही फूल है। देखो और यहाँ पर अगर फूल तोड़ा ना तो फिर फाइन भी है। और ये देखो मटर की खेत लग तो रहा है, ये मटर ही, हाँ मटर ही है शायद से। वो देख लो उस इंसान को, सबसे ज़्यादा चिल्लाया था मेरे ऊपर, इतना दूर कौन जाता है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और कैसे सबसे ज़्यादा फ़ोटो वही बना रहा है।